नमस्कार, मेरी चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लाइड को सब्सक्राइब करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कीजिए तथा बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, जिससे कि मेरे वीडियो जब भी अपलोड होंगे तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन सूचना आ जाएगी। धन्यवाद। एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं भक्कुट दोष के बारे में। कुंडली में जब भी हम कुंडली मिलान करते हैं तो जातक और जातिका का जब कुंडली देखते हैं तो भक्कुट दोष आ जाता है, जिसके कारण कि वो जो भी कंप्यूटराइज कुंडलियां बनती है वो उसमें परिहार को नहीं देखती है और जातक की शादी होने से वंचित हो जाते हैं। तो आज हम भक्कुट दोष में जो जानकारी दे रहे हैं वो हम छठे और आठवें मंगल से बनने वाले जो दोष को बोलते हैं षट अष्टक भक्कुट दोष कहलाता है, उसके बारे में हम जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये देखिए कि ये ये जातिका की कुंडली है और ये जातक की कुंडली है। तो उसमें हमें ये देखना है, चंद्रमा को देखना है कि देखिए यहाँ पे जातिका की कुंडली में चंद्रमा है 7 नंबर की राशि में, और यहाँ पे जो जातक की कुंडली में चंद्रमा 2 नंबर की राशि में है। तो ये तो हम क्या करेंगे कि जहाँ पे जातिका कुंडली से हम नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 में कैसे कि चंद्रमा यहाँ पे है जातिका कुंडली में, तो यहाँ से गिन रहे हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 में जातक के कुंडली में चंद्रमा आ जाता है। तो इसको 6-8 बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से काउंट किया तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो गया, और यहाँ से काउंट करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इसलिए 6-8 संबंध को षटाष्टक योग बोलते हैं। और जिसको भक्कुट दोष षटाष्टक भक्कुट दोष बोलते हैं, जो कि अच्छा नहीं मानता। इसमें ये कहा जाता है शास्त्रों में, इसमें वरवधु में से एक की मृत्यु हो जाती है, परंतु इसका परिहार कैसा होता है वो जानेंगे अगर इनके घरों में मैत्री हो। तो हम देखें जातिका की जो चंद्रमा बैठा है वो तुला राशि में है, उसका स्वामी शुक्र है, और जो जातक है उसका जो सप्तम भाव में जो यहाँ से जो 6-8 गिना, तो वो चंद्रमा जो इसका है वृषभ राशि में, उसका स्वामी शुक्र है, तो दोनों ग्रहों में मैत्री हो गई। तो शुक्र और इसमें मैत्री हो जाने से ये षटाष्टक दोष नहीं लगेगा और जातक का भक्कुट दोष नहीं आएगा, और उसको उसको ग्रहों में मैत्री होने के कारण वो जातक भक्कुट दोष से अगर शादी नहीं कर रहा है तो वो शादी कर सकता है, क्योंकि ग्रहों में मैत्री हो गई। तो कंप्यूटराइज कुंडली में अगर ये 0 दिखा रहा है आपका, परंतु ग्रहों में अब जैसे दोनों में शुक्र आ गया और मैत्री दिखा रही है, तो इस जातक और जातिका की शादी हो सकती है। तो इस तरह आज हमने सिर्फ षटाष्टक दोष के भक्कुट दोष के बारे में जानकारी दी है। इसके बारे में और दूसरे जो भक्कुट दोष में बनते हैं, दूसरे नव पंचम आदि जो बनते हैं, उसकी जानकारी हम दूसरे वीडियो में देंगे। तो इस तरह आप भी अपने कुंडली में देखिए, अगर इस तरह का अगर योग बन रहा है और वो अगर ग्रहों के मैत्री बनता है तो वो दोष खत्म हो जाता है, तो ये परिहार हो गया इसका। तो इस तरह ये जातक और जातिका भक्कुट दोष के कारण अगर शादी नहीं कर रहे थे तो शादी कर सकते हैं। तो ये सरल सी जानकारी दी हमने इसके बारे में। अब हम और आगे की कुंडली में बताएंगे कि किस तरह से भक्कुट दोषों के बारे में भक्कुट दोष के परिहार कैसे हो सकते हैं। तो आज यहाँ मान लो यहाँ पे हम ये देखें कि अगर ये जातिका की कुंडली है ना, और जातिका की कुंडली में अगर हम देखें तो यहाँ से मान लो यहाँ पे अगर उसका चंद्रमा है, जातक जातिका कुंडली में चंद्रमा यहाँ पे है, और जातक के कुंडली में दूसरे में यहाँ पे है चंद्रमा, तो हम यहाँ से काउंट करेंगे ये तो 1, 2, 3, 4, 5, 6,
हो गया ना, यहाँ पे चंद्रमा है और जातिका कुंडली में चंद्रमा यहाँ है, ये जातिका कुंडली में चंद्रमा यहाँ है और जातक कुंडली में चंद्रमा यहाँ, तो ये यहाँ से हमने काउंट किया तो छ छ हो गया, और यहाँ से काउंट करेंगे तो एक एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, तो ये छः आठ का संबंध यहाँ भी बन रहा है। अगर ये जातिका कुंडली में चंद्रमा यहाँ पे है और जातक के कुंडली में चंद्रमा है तो ये छः आठ का संबंध बन गया। परंतु यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ पे इसका एक नंबर की राशि में चंद्रमा मेष में बैठा है, उसका जो स्वामी बनता है वो मंगल, और यहाँ पे जो बना है 6 नंबर कन्या राशि उसका स्वामी बना बुध, और ये दोनों बुध और मंगल फ्रेंड नहीं है, तो इस स्थिति में ये मंगल भकुर दोष माना जाएगा। तो क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के फ्रेंड नहीं है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से उनका परिहार नहीं हो रहा है, क्योंकि ये दोनों मित्र नहीं है। तो आपने ये सरल सी जानकारी देने का प्रयास किया। जो कुंडली मिलान होते हैं उसमें भकुर दोष के बारे में आप जब कंप्यूटर से पत्रिका मिलाते हैं तो इस तरह के देखा जाता है कि भकुर दोष आ जाता है जिसमें 0 मार्क मिल जाता है, परंतु तो ग्रहों की मैत्री से उसका परिहार होने के कारण आप शादी जरूर कर सकते हैं। तो आप भी अपने जातक और जातिका हैं अपनी कुंडलियों को इस तरह से मिला के देख सकते हैं कि किस तरह से षटाष्टक दोष के कारण जो आपका भकुर दोष बन रहा है और उसका परिहार हो रहा है वो आपको हमने बताया। आपको मेरा वीडियो अगर पसंद आया तो मेरे चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप टेलीफोन से परामर्श प्राप्त करना चाहते हैं तो मामूली दक्षिणा देके टेलीफोन से परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। आपने मेरी चैनल सब्सक्राइब की, लाइक की, मेरा वीडियो लाइक किया, शेयर किया, वीडियो को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।